पूरी कट हुई है, पूरा बंपर कट हुआ है, यहाँ से थोड़ी चेसी कट हुई है इसकी। ये क्लासिक लेकिन पूरी इंडिया की फर्स्ट गाड़ी जिसमें ये डिजाइन डला है। तो अभी आपको दिखाते हैं इस गाड़ी का सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम पे कितना लगा है? ये बिस्किट किसने डाल दिए इधर बीच में? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वैसे तो पूरा एक हफ्ता जो है बारिश बताई हुई थी। ये कैसी बारिश है, अरे इतनी धूप। वो देखिए जी, खड़ी है अपनी बेबी। मतलब गाड़ियों के नाम क्यों नहीं रखे हुए मैंने आज तक? एक मैंने बोला था उसका नाम रखना था सफारी का, तो चलो कोई नहीं, फिलहाल जा रहे हैं एक वीडियो शूट के लिए। कल के दिन में मैंने आपको एक स्कॉर्पियो दिखाई थी आदित्य भाई की, तो आज हमने करना है उसका शूट। जिमनी भी लेके जा सकता हूँ बट थार लेके जाएंगे। एक तो क्या है, 2-3 दिन हो गए इसे चलाए हुए, चलाना जरूरी रहता है। थार के साथ ना स्कॉर्पियो का कंपैरिजन वगैरह भी कुछ कर सकते हैं। बाकी देखो गाड़ी एकदम धुली हुई रहती है हमेशा ना। चलो जी, रोहन भाई का फायदा है ये भी, और अंदर गर्मी के क्या कहने, टायरों में हवा कम है, चेक करना पड़ेगा। आज तो एंड्रॉयड भी स्टार्ट होने में बहुत टाइम ले रहा है। कौन से टायर में हवा कम है? 29.5 पे तो वैसे साइन नहीं देता है। चलो कोई नहीं, करवा लेते हैं, अब अभी कोई मसला नहीं है। तो चलिए निकलते हैं और इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के दिन की, लेट्स गो। क्या हाल चाल है? ठीक हो गया पेपर खत्म? बड़े सारे लोगों ने मेरे को कमेंट किए भाई स्कॉर्पियो आ गई है, ये हो गया वो हो गया। तो ये है जी 4x4 स्कॉर्पियो जो कि आर्मी को मिली है, और ये वो क्लासिक वाली नहीं है, ये S11 वाली है, ठीक है ना। जैसे इसके आप टेल लाइट के पीछे देखो वो रेड में नहीं है, ब्लैक में है। तो बड़ी प्यारी सी लग रही है, कैमरा ऑन करने तक गाड़ी आगे चली गई। अब क्या है कि इस गाड़ी का हम ऐसे ओपनली शूट नहीं कर सकते, बिकॉज आर्मी वाले रहते हैं। मतलब ये आम जनता को नहीं मिलने वाली है, ये आर्मी को ही मिलने वाली है। बुक लगा होता है वहां से देख के आपको पता चल जाता है, और भगा अच्छी रहे हैं। मतलब 80 पे तो हम भी भाग रहे हैं, 100 पे आप पकड़ाई में आए हैं, 80-90 चल रही है स्पीड। अच्छी लग रही है मोहित? हाँ, ऐसी नहीं मिलेगा ब्रांड न्यू स्कॉर्पियो हमको, नहीं मिलेगी भाई, हमको नहीं ना मिलेगी, यही तो दिक्कत है। कितनी दो नंबरी काम है, दो नंबरी काम भी ये नहीं मिल सकती, ये किसी भी अंकल से नहीं मिल सकती। ये सिर्फ हमारी अगर अनुर महिंद्रा जी के साथ बातचीत हो तो वो हमें एक गाड़ी बना के दे दें, 4x4 तो अलग मसला है। साइड प्रोफाइल देखो, बेस मॉडल है, इंटीरियर इंटीरियर वगैरह में सब कुछ दिया हुआ है। पहली बार देखी ऐसी? तो मैंने तो पहली बार देखी है। नहीं नहीं, ये है ही नहीं, आर्मी के पास स्कॉर्पियो है ही नहीं है 4x4, ये तो अभी लेटेस्ट ही आई है। गाइस इधर तो कहते हैं कैमरा लगा है स्पीड लिमिट का, मर्सिडीज तो ऐसे फूं करते हुए कि हमें कूपे। तो हमें एक ऐसी लोकेशन चाहिए यहाँ पे शोर कम हो, तो मैं अभी जा रहा हूँ नीचे तवी वाली साइड, वहाँ का एक बार जायजा ले लेंगे। मेरी गाड़ी तो 4x4 है लेकिन आदित्य भाई की है 4x2, तो अगर लोकेशन ठीक होगी तो फिर हम वहीं पे शूट करेंगे, नहीं तो फिर से उधर ही जाएंगे बचाते अपनी खड्डों में। थोड़ा सा मामला लगता तो गड़बड़ी है, मतलब ये तो कचरा है, अभी बहुत आराम से जाना पड़ेगा, नहीं तो हमारी बॉडी के ऊपर सारा गंदगी फैल जाएगा। नहीं बाकी मेरे को लग रहा है बंद ही कर दिए, ये रास्ता सामने पहले ही होता तो यहीं से था, रास्ता बंद है आगे। हाँ। यहाँ लोग शोक जाते आते थे ना, मतलब कपल्स वगैरह भी जाते थे, तो मैं भी शायद इसलिए। क्या वो है, लोकेशन अच्छी पर रास्ता अच्छा नहीं है? रास्ता नहीं, यहाँ से तो अभी बिल्कुल ही बंद कर दिया है इधर। वैसे अपनी तो चढ़ जाएगी लेकिन आदित्य भाई को दिक्कत होगी। अब जा रहे हैं अपनी दूसरी लोकेशन पे, गाड़ी जो है वो पीछे आ चुकी है। आप कुछ सिनेमैटिक शॉट्स जो है वो एंजॉय करो, और फिर हम लोकेशन में पहुंच के आपको सारी बात। रोलिंग शॉट तो क्या हम ले रहे थे, लेकिन रोलिंग शॉट में वो बात नहीं है जो मैं आपको अब ऐसे बोल के बताऊंगा। मतलब ये गाड़ी जैसे आगे चल रही है ना, एक एक रुड़े, चलो कोई नहीं हो जाता। तो ये गाड़ी जैसे चल रही है ना, तो स्कॉर्पियो तो ये किसी एंगल से लगती नहीं है, मतलब ऐसी स्कॉर्पियो नहीं देखी। और सबसे जो अपीलिंग चीज है देखो, टायर तो एक है ही है, पर जो ऊपर वो क्रॉस बार्स लगी हुई है ना, उससे तो मतलब गाड़ी का फील ही जो है वो एकदम नेक्स्ट लेवल आ जाता है। अभी एक लोकेशन शांत सी पर जाएंगे और पूछते हैं कि भाई आदित्य भाई से कि भाई अब जी गाड़ी आप चलाते हो तो आपको फील क्या होता है, क्या फील होता है अंदर? मैं बैठे जाऊंगा आज तो, ठीक है भाई, आज अपन भी स्कॉर्पियो चलाएंगे। पहुंच चुके हैं लोकेशन पे, तो अभी गाड़ी घुमा के लगा देंगे सीधी। देख रहे हो बारिश के बाद, क्योंकि कल ही बहुत जोरदार बारिश हुई है, आज ट्रैक एकदम मतलब जो घुसेगा ना घुसते ही फंस जाएगा। इवन की ट्रक ट्रुक भी कुछ नहीं गया हुआ, लेकिन आज हमने वो काम करना ही नहीं, आज हमने सिर्फ और सिर्फ इस गाड़ी का शूट करना है। आज हाँ वाह जी वाह, क्या बात है, मजा ही आ गया देख के। मतलब ऐसा देखो सामने से क्या लगता है, क्या लगता है
मोस्टर यार देखो फर्स्ट लुक में जो गाड़ी लग रही है ना, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ टायर अलॉयज नहीं है इस गाड़ी में, इस गाड़ी में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो नोटिस करने वाली हैं और जो इसको ना इतना अलग सा लुक दे देती हैं। तो सबसे पहले तो हम भाई गाड़ी के ओनर से आपको मिलवाते हैं जी। ये है हमारे आदित्य भाई, क्या हाल चले जी? ठीक हो? तो गाइज जब मैंने ऑफ रोड क्या की स्टार्ट करा था उस टाइम आदित्य भाई के पास, आप मेरे साथ आए ऑफ रोड पे कभी? नहीं, मेरे साथ वीडियो में नहीं है। नहीं, नहीं। तो उस टाइम इनके पास बिगफुट थी और फिर इन्होंने कहा कि हम फिर से एक ऐसी चीज तैयार करें जो सबसे डिफरेंट है ना। कुछ चीजें जो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मेरी गाड़ी ना यहाँ खड़ी है, आप सामने देख रहे हो, इसमें जो मैंने है वो डाला हुआ है 18 इंच का अलॉय। ये वाला कितना? 26 इंच है ना। हाँ, ये वाला तो 26 इंच है, लेकिन जब हम अपनी थार की भी बात करें तो उस टाइम इसमें तब भी 22 इंच का अलॉय आता था, बट फिर भी मैंने 18 इंच का अलॉय डाला क्योंकि मुझे अलॉयज का शायद उतना क्रेज नहीं है, बट ओवर द टाइम मैंने जो चीज नोटिस करी ना कि भाई अलॉयज का जो है अलग ही लेवल का क्रेज है। और जिन्होंने ये अलॉय डलवा रखे हैं उनसे बेटर हमें कोई नहीं बता सकता। आदित्य भाई मुझे बताओ, मतलब इस अलॉय के क्रेज का क्या सीन क्या है? क्रेज भैया यही था कि मेरे को कुछ अलग करना था। अच्छा, ये चीज आपने देखी है, जम्मू कश्मीर की पहली गाड़ी यही आई है। 24 सोच के गया था, बट जब वहाँ 26 देखा 26 से दिल लगेगी। ठीक है, ये फिट हुआ, फिर सब छोटे लगने लगे, प्रॉब्लम्स बड़ी आई थी। हाँ, गाड़ी मेरी तब से 30 के 20 किलोमीटर चली थी, मैंने पूरा बम्पर इसका दिया। हाँ, और सबसे मेन चीज जैसे आपको दिखा दें, देखो अभी भी गाड़ी पे जो नंबर है टेम्परेरी है। आदित्य भाई ने पंजाब से गाड़ी ली, 20 किलोमीटर चली और सीधा अलॉयज पे। एक्चुअली क्या है कि ट्रैक्टर आ गया था तो शोर काफी ज्यादा आ रहा था, तो बात हम कर रहे थे जैसे गाड़ी लेते ही उन्होंने काम करवाया, उसके बाद करवाया कैसे वो भी आपको बताते हैं। तो कटिंग क्या क्या हुई है इसमें? सबसे पहली चीज, बम्पर देख रहे हो आप, चीज पूरी कट हुई है, ये अभी भी देखो थोड़ा। हाँ, ये बंपर कट हो गया, यहाँ से पूरा बंपर कट हुआ है, यहाँ से थोड़ी चेसी कट हुई है इसकी। ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि ये सारी जो कटिंग है हुई है, ऐसा नहीं है कि आपने 26 इंच का अलॉय लिया और लेते ही स्कॉर्पियो में ऐसे इतनी कटिंग के बाद भी थोड़ा बहुत टच होता ही है क्योंकि आगे से वही मैं आते हुए हाँ। भी नोटिस कर पा रहा था कि आपको ना चलाना भी ध्यान से पड़ता है, ऐसा नहीं है कि बस शूशा करके चलाइए ना, बिल्कुल भी ध्यान से। खड्डों में तो बिल्कुल ऐसा होता है कि 5 की स्पीड में निकालनी पड़ती है। और मतलब सबसे मेन चीज तो ये है कि टायर देखो कितना लो प्रोफाइल है, ये कितनी इसकी साइड प्रोफाइल कितनी है? 30 है, 30 प्रोफाइल है, है ना। ये रहा 295 30 और 26, ये आप देख सकते हो 30 R 26 26 इंच का अलॉय आ गया, मतलब मेरे वाली की जो साइड वॉल है वो 60 है और इसकी 30 है और कितना कम है। तो ये डिजाइन भी थोड़ा सा डिफरेंट सा ही है ना, ऐसे बोलेंगे इसको, ये भी स्नेक डिजाइन होता है। अच्छा, 26 इंच आपने देखा होगा कि काफी स्कॉर्पियो में डले हैं। हाँ, मतलब पंजाब की 5-6 की दिल्ली की एक गाड़ी है। ठीक है, ये क्लासिक लेकिन पूरी इंडिया की फर्स्ट गाड़ी जिसमें ये डिजाइन डला है। देखो उसमें ये होता है जैसे अगर किसी ने भी अलॉय डाला है तो वीडियोस वगैरह सब वायरल होती हैं, लेकिन कहीं भी कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है क्लासिक स्कॉर्पियो में जिसमें 26 इंच का इस डिजाइन के साथ डला हो। दूसरे डिजाइन के साथ डले होंगे, मेबी वो गाड़ी डली है दूसरी डिजाइन में, वो है प्लेन वाली। अच्छा, सिल्वर कलर का जो क्रोम का सिंपल आता है वो है दिल्ली की दो गाड़ियां बस। ठीक ठीक, इसी मेरी आई है 26 इंच। ओके ओके ओके, चलिए ये भी एक यूनिकनेस है इस गाड़ी की। और उसके बाद जैसे अलॉय की एक बात आदित्य भाई ने मुझे बताई, जैसे इसमें आता है 5 होल एंड 6 होल, जो 5 होल वाला होगा वो स्कॉर्पियो में डायरेक्ट लग जाएगा। हाँ, और इसमें क्या इशू आता है कि उससे बंपर बहुत बचता है, स्पेसर ऐड करके टायर थोड़ा बाहर आया था तो इसका कट थोड़ा बाहर की तरफ हो जाता है, उसकी वजह से मैंने स्पेसर ऐड के 6 होल अलॉय डलवाया था। ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्योंकि स्कॉर्पियो में जो है वो 5 होल्स आएंगे और यहाँ पे इन्होंने स्पेसर डाला है, तो इससे क्या है कि ये 6 होल हो गया। तो बेसिकली जो 6 होल वाला वो एंडेवर वगैरह, एंडेवर फॉर्च्यूनर वगैरह गाड़ी उनमें डलता 6 होल। ठीक है ठीक है, तो ये एक टेक्निकल चीज आ गई यार। मतलब यहाँ से ना आप गाड़ी देखो, मतलब देखने में ही ना कुछ मजा सही आ जाता है। तो ये रही हमारे अलॉयज की बात, उसके बाद हम आ जाते हैं तो बाकी भी काफी सारी चीजें हैं ना। सबसे पहले तो हम अगर फ्रंट में आ रहे हैं ना, बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं वो लुक्स में ऐड करती हैं। सबसे पहली चीज आ गई ग्रिल है ना, ग्लॉस फिनिश में ग्रिल है, बिल्कुल प्लेन सी है, इस पे कोई भी लोगो वगैरह नहीं है। क्या बोलेंगे, है कुछ नाम? आरएस ग्रिल होती है, आरएस ग्रिल होती है जैसे अपनी हर गाड़ी की आई रही है आजकल, ये भी आपने बड़ी कम गाड़ियों में डली है, ये रेयर चीज। मतलब मैंने स्कॉर्पियो पहले ही देखी है, जहां मैंने उतना नोटिस नहीं करा, लेकिन मैंने नहीं देखा। स्कॉर्पियो जम्मू में दो ही गाड़ियों में डली है, एक मेरी और एक मेरा कजन ही है, एक मेरा ये लगा है एडवाइजर बोल, और मतलब अच्छा लग रहा है। 4 हॉर्न डले हैं रूट्स के इसमें। ओके, ये यहाँ से देखो क्या बात है, 4 हॉर्न आगे, क्रॉस बार देख। हाँ, और ऊपर वाली साइड जो है क्रॉस बार। टायर कर दो तो शायद गाड़ी उतना डिफरेंशिएट ना कर पाए, लेकिन जब आपने हर एक चीज जो हो सकता है उसको कर दिया ना चेंज, तो फिर तो गाड़ी अलग दिखेगी। और क्रॉस बार्स की भी अगर हम बात करें, फंक्शनल क्रॉस बार है, ऐसे नहीं है, और काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। हमने अपनी जिमनी में भी टांग रखी है, खैर हमारी उतना वेट नहीं ले पाती, बट ये जो है वेट भी लेंगी। पीछे वाली साइड कुछ रेड वाले आते थे कंपनी से, हाँ, जो ब्लैक आते हैं वो चेंज करवा के, क्योंकि ये थोड़ी गाड़ी को बल्की लुक देते हैं। हाँ, और ये अच्छा भी यही लगता है। हाँ, रेड वाला उतना, रेड वाला थोड़ा, हाँ, अजीब। काफी लोगों ने बोला कि वो लाइट डलवा और मैट्रिक्स वगैरह, बट वो मेरी थोड़ी चॉइस नहीं है उस टाइप की, तो मैंने ये थोड़ी ओल्ड स्कूल टाइप बनाई की। हाँ हाँ, गाड़ी बल्की भी लगती है और ये सूट भी करती है। नहीं नहीं, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, तो यही सीन है। बाकी मेरे को ये पीछे टिप भी दिखी, इस पे भी कुछ करा हुआ है? नहीं, ये सिर्फ लुक्स के लिए है ना। हाँ, बट क्या है कि अच्छी लगती है टिप,
अच्छा इसका ये एग्जॉस्ट ऐसे ही आता है, कैसे भी डले गाड़ियों में लिफ्ट हुई है। अच्छा 2.5 इंच लिफ्ट हुई है आगे पीछे दोनों साइड से। ठीक है ठीक है, तभी नहीं तो 26 इंच का वाला है, ऐसे तो स्टॉक पे तो बिल्कुल ही फिट होने ही नहीं वाला है। वो दिखेगा कुछ जो है स्पेसर? नहीं, चिल्लो वाले ऊपर दिख रहे होंगे आपको भी ऊपर से। अच्छा ये वाले ना, ये है यहाँ से। अच्छा ये लगे हुए हैं, ठीक ठीक। प्रेस इसके खोल दिए हैं मैंने कि इससे थोड़ी हाइट आपको दिख रही है कि बढ़ रही है। हाँ, उससे गाड़ी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, बट लुक थोड़ी गाड़ी की इनहांस कर रहा है इसकी वजह से तभी। तो ये जैसे देख सकते हो आप, नहीं चढ़ने में तो फिर मतलब थोड़ा नहीं दिक्कत, तो फिर फैमिली में जैसे कभी आंटी को बिठाओ तो क्या कोई दिक्कत नहीं है? फैमिली की अलग गाड़ी है जो इन्होंने बात कह दी ना कि बिकॉज ये गाड़ी देखो अलग से गाड़ी बनी है सिर्फ और सिर्फ शोक के पर्पज से, तो अंदर भी इसमें कुछ बहुत ही खास है। तो अभी आपको दिखाते हैं इस गाड़ी का सिस्टम। ठीक है, ये देख ही लो आप खुद। ये क्या है, इसको चलो साइड पर रखते हैं अभी। तो ये नहीं, ये क्या क्या चीज है, मैंने तो पहली बार देखी। मैं तूने देखी पहले? ये क्या क्या है आदित्य, एक्सप्लेन करेंगे। इनबिल्ट वूफर आते हैं JBL के, ठीक है, 1400 वाट्स के आते हैं, तीन लगे हुए हैं, ठीक है, चार स्पीकर्स लगे हुए हैं बुलेट ट्यूटर, ठीक है, दो स्पीकर ये लगे हुए हैं, दो एम्प ये लगे हैं, दो सीट के नीचे, छह ट्यूटर और एक कंपोनेंट और दो मिड्स, चार एम्प लगे हुए हैं, दो मोनो एम्प लगे हैं, तो दो फोर चैनल एम्प लगे हुए हैं। मतलब यार मैं आपको क्या बताऊं, पीछे सीट में निकाल दी हुई है ये देखो, मतलब पीछे सारा का सारा सिस्टम ही म्यूजिक को डेडिकेट। ये तो डीजे गाड़ी है गाइस, इतने बड़े बड़े ये बूफर आ गया ना। ये आप यहाँ पे स्पीकर का साइज भी देख रहे हो, और ये मेरे को डिजाइन भी कुछ अच्छा लगा, जैसे ट्रांसपेरेंट है। मिल्क से कम भी कोई 5 साल पुराने रखे हुए मैंने, ये 5 साल पुराने हैं मैंने तो सोचा कि ये कोई लेटेस्ट सीरीज आई है, क्योंकि ऐसा तो मैंने भी आज तक बूफर कोई देखा नहीं है। यहाँ से निकलती है पूरा आउटपुट, और ये देखो ये बूफर इसका इस तरह से प्लेस किया होता है यहाँ से। हाँ हाँ, ये वही मैं कह रहा हूँ ना, आउटपुट यहाँ नीचे से आएगी। ये देख के कुछ मजा आया। तो ये जैसे यहाँ पे ये एम्प आ गया, ये आ गया एम्प, बाकी कहाँ सीट के नीचे? अच्छा ये वाले स्पीकर भी तो है पायनियर के, ये भी चार ये लगे हुए। ओके, इतना हैवी सिस्टम पहली बार ही किसी गाड़ी में देखा है मैंने। बाकी ट्विटर की चार की प्लेसमेंट इधर देखो, 1 2 3 4 आगे भी है कुछ, आगे भी है। चलो जी आगे भी चलेंगे अभी। ये एक छोटा ट्विटर, ये भी तो है कुछ, ये मिड है, मिड है भाई साहब, कितना सिस्टम होता है। तो ये क्या मतलब, म्यूजिक पे काफी अच्छी रिसर्च कर रखी है इन्होंने। फिर थोड़ा सा सुन ले, वैसे क्या है कैमरा जस्टिफाई नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा सा सुनते हैं। लेकिन अब मैं चलूं कैसे? अच्छा ये डिस्प्ले भी चेंज है। ओके, बाकी इंटीरियर की बात करें तो ये कैप्टन सीट वाला लिया ना आपने? कैप्टन सीट वाला, क्योंकि ये ऐसे स्कॉर्पियो कंफर्टेबल नहीं है, सबको पता है पिछली सीट जो है वो ये पूरी डिक्लाइन हो जाती है। ये थोड़ा स्कॉर्पियो ये इशू है कि एसी थोड़ा इसका डील थोड़ा लेट ऑन होता है, ये मेरे को थोड़ा लगा इसका। तो फिर गैंगस्टर गाड़ी है तो फिर वो लुक्स का भी तो चक्कर है। हर से दिखाते सुनाते आपको बात। तो गाइस अभी आपने बाहर से भी जो आवाज है वो सुन ली है, तो अभी देखते हैं बाकी वाले एम्प्स की प्लेसमेंट। तो एक तो ये रहा नीचे यहाँ पे, एक इधर और ये उसके दो बेस के मोनो के वो लगे हुए हैं। अच्छा बेस यहाँ से वो होगी ना, सही से सिस्टम बिठाया आदित्य भाई ने। मतलब यार कभी कभार ही ऐसा होता है, हर बार नहीं होता, कि कोई गाड़ी जब हम भी रिव्यू करते हैं ना, तो हमें भी वो गाड़ी देख के आता है मजा कि हाँ भाई इस गाड़ी में है असली बातचीत। तो यही कुछ मसला है, लेकिन बाकी सही है। गाड़ी तो अब आपने देख ली, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है कि भाई इतना शौक अगर पाल रखा है तो उसके लिए आपको इतना शौक पालने के लिए पैसा कितना चाहिए। तो आदित्य भाई सबसे पहले तो हमें ये बताएंगे कि अलॉयज की कितनी कॉस्ट है और टायर की कितनी कॉस्ट है। मतलब टायर अलॉय का तो अलग अलग बता नहीं सकता, बट टोटल भैया मेरा बना है अलॉय के साथ 3.5 लाख के अलॉय टायर दोनों। तो सिस्टम पे कितना लगा है? जैसे हम भी करते हैं, मैं भी गाड़ी मॉडिफाई करी, तो मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि जरूरत क्या है, स्टॉक गाड़ी भी अच्छी चलती है। भाई साहब शौक जो चीज है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और बंदा मेहनत करता है काम करता है सिर्फ अपने शौक के लिए, और शौक पूरे होते हैं तो मजा आता है। रिएक्शन मिलते ना वो चीज असूल हो जाती है पूरी, सबसे सही बात की हाँ कुछ किया है गाड़ी में। हाँ कहीं से जाओ वीडियो बनाने लग जाते हैं सारे, कहीं खड़े हो जाओ फोटो खिंचवाते हैं, वो चीज है कि वहां से बंदे को होता है हाँ भाई कुछ किया। हाँ वो चीज जो है ना वो भी बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है, कि अगर आपने कोई चीज करी है और लोग उसको अप्रिशिएट उस तरह से करते हैं तो उसमें भी एक अलग ही तरह का मजा आता है। तो बस यही है आज की वीडियो का सीन। मैंने कल भी आपको स्पॉइलर में थोड़ी सी दिखाई थी, लेकिन आज आपको इस पे दिखाई है हमने डिटेल्ड वीडियो। अच्छी लगी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आदित्य भाई स्पेशल थैंक्स, ठीक है जी। बाकी कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट हो तो वो भी हमें जरूर दिखाना, ठीक है। अभी होते रहेगा इसमें, अभी तो शुरुआत है, अभी आगे करेंगे इसमें, जो भी होगा वो आपको सारा अपडेट दिखाएंगे। और बाकी ये गाड़ी आपको कैसी लगी इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे कल फिर किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग, बाय बाय। तो गाइस चलिए अब स्कॉर्पियो का आपको रिव्यू दिखाया है, तो थोड़ी सी ड्राइव भी हम करके बता देते हैं। स्कॉर्पियो तो स्कॉर्पियो है भाई साहब। ओ भाई एक तो क्या है, जिमनी के मुकाबले तो इसका क्लच भी इतना सॉफ्ट है। 26 इंच चलाए वाली स्कॉर्पियो, क्या भाई क्या समझे, ऐसा लग रहा है मैं 26 इंच चला रहा हूँ।
बेसिकली ये गाड़ी चलाने का रीजन ये था कि 26 इंच जब आप इतने ओवरसाइज्ड अलॉयज डालते हो तो क्या आपको ड्राइव में फील होता है, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। ड्राइव की अगर मैं बात करूँ तो कुछ मेजर मुझे नहीं लग रहा है, बस ये कि गाड़ी आपको थोड़ी सी संभाल के चलानी पड़ेगी, ठीक है, आप इसको इतना ओवर स्पीड नहीं कर सकते हो। स्टेयरिंग थोड़ा सा हैवी आपको जरूर फील होगा, मतलब ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं, जब भी आप उसकी गाड़ी की स्टॉक फिटमेंट से कुछ भी अलग करोगे तो ये सारी चीजें तो आपको झेलनी पड़ेंगी, पर बाकी मैं जो ले रहा हूँ वो स्कॉर्पियो का फील ले रहा हूँ मैं। मुझे तब हम भी स्कॉर्पियो लेंगे अगर हमें नहीं मिल जाए ना 4x4 जो आज देखी तो, मतलब क्या कहने। पर बाकी यार कुछ भी कहो, मतलब स्कॉर्पियो का जो फील है ना वो तो स्कॉर्पियो का ही है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, बड़ा मजा सा आता है। लेकिन अभी अपने पास क्या है, गैरेज में वैसे ही ज्यादा गाड़ियां खड़ी हैं, तो अभी तो स्कॉर्पियो का कोई प्लान नहीं है, अभी तो मेन है कि सफारी तैयार हो जाए, तो बस वही है। बाकी चलाना है मुझे, उतना ज्यादा कुछ डिफरेंट फील नहीं हो रहा है, मतलब जैसे क्या है कि मेरा ड्राइविंग स्टाइल वैसे ही है कि मैं इतनी तेज और वैसे ही चलाता भी नहीं हूँ, तो मेरे को ऐसा कोई दिक्कत फील नहीं हो रही है। तो चलो बस ये छोटा सा टाइम इंप्रेशन था, आप ड्राइव इंजॉय करें।